लेकिन वो धृतराष्ट्र लोग बने हुए हैं बीजेपी के लोग, काम तो देख लो भाई। ये जंगल राज नहीं है, मंगल राज है। वह आप बगल का हमारा पड़ोसी राज है यूपी, वह उनके बारे में बीजेपी के लोग क्या कहेंगे? क्या वहाँ मंगल राज है? वहाँ तो जंगल, महाजंगल राज तो यूपी में है। कौन ऐसा स्टेट है जहाँ बीजेपी का सरकारें हैं? क्या वहाँ पर हत्याएं नहीं हो रही है? तो हमारे यहाँ तो हत्याएं रुकी है, जब से तेजस्वी जी और हम लोग की सरकार बनी गठबंधन में। तो यहाँ आप कहाँ उतना लॉ एंड ऑर्डर ठीक ही है। विपक्ष के लोग हैं तो ये लोग, तो ये लोग का काम है क्या है? अब तो सड़क पर धरना देंगे ही ना। बिहार के कुर्नी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव को लेकर बीते 8 दिसंबर को परिणाम आ गया, जिसमें बीजेपी के प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता जीत गए। बता दें आपको कि बिहार में कुर्नी विधानसभा सीट को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। विपक्ष लगातार बिहार के महागठबंधन की सरकार पर हमलावर है। कहां चूक हो गई इसको लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए राजद के SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं साधु पासवान। बात करेंगे सर, कैसे देखते हैं चुनाव में शिकस्त मिली है, आपके प्रत्याशी जो उतरे थे तो कहां चूक हो गई? देखिए, हम लोग मंथन करेंगे कि कहाँ पे चूक हुई है। और जैसे महागठबंधन के तमाम जो सहयोगी दल हैं वो अपने अपने पार्टी में बैठकर मंथन करेंगे, हम लोग भी मंथन करेंगे। लगातार यहाँ कहा जा रहा है कि पासी समाज के लोग जो है नाखुश थे, जिस तरीके से तारीबंदी हुई है उसको लेकर भी कई बातें सामने निकल के आई थी, पासी समाज के लोगों ने वोट ही नहीं दिया, ऐसा भी बात। देखिए, हम लोग भी गए थे कुर्नी में, हमारा भी 4 दिन का प्रोग्राम पार्टी की ओर से लगा था। और आपका कहना सही है कि कुछ लोग नाराज़गी व्यक्त किए थे, लेकिन समय रहते हुए संभल जाना चाहिए था। सर, कहा यह जा रहा भी है कि जदयू के कैंडिडेट उतारे गए थे इसलिए हार गए, अगर राजद के कैंडिडेट रहते तो हारते नहीं। देखिए, ये महागठबंधन है, महागठबंधन में स्वाभाविक है कि सभी की मिलजुल कर ये होता है। जैसे गोपालगंज RJD हम लोग लड़े, या मोकामा हम लोग लड़े, तब उन्होंने डिमांड किया था, इसलिए महागठबंधन है, सहयोगी दल है, सब मिलजुल कर हम लोग की रणनीति बनती है। सर, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हो या बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हो, सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, दोनों का कहना यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बिहार से इकबाल खत्म हो गया है, जो जनता है अब बिहार के महागठबंधन की सरकार को नकारना चाहिए। ऐसे नहीं है ना, नीतीश कुमार जी और खासकर महागठबंधन की सरकार में काम हो रहा है, काम दिख रहा है। और ये लोग विपक्ष के हैं तो वो तो सवाल उठाएंगे ही ना। लेकिन वो धृतराष्ट्र लोग बने हुए हैं बीजेपी के लोग, काम तो देख लो भाई। लगातार यह कह रहे हैं कि आपराधिक घटना हो रही है, फिर से एक बार जंगल राज रिटर्न आ गया है बिहार में, ऐसा भी कहा जा रहा है। ये जंगल राज नहीं है, मंगल राज है। वह आप बगल का हमारा पड़ोसी राज है यूपी, वह उनके बारे में बीजेपी के लोग क्या कहेंगे? क्या वहाँ मंगल राज है? वहाँ तो जंगल, महाजंगल राज तो यूपी में है। कौन ऐसा स्टेट है जहाँ बीजेपी का सरकारें हैं? क्या वहाँ पर हत्याएं नहीं हो रही है? तो हमारे यहाँ तो हत्याएं रुकी है, जब से तेजस्वी जी और हम लोग की सरकार बनी गठबंधन में। तो यहाँ आप कहाँ उतना लॉ एंड ऑर्डर ठीक ही है। विपक्ष के लोग हैं तो ये लोग का काम है क्या है? अब तो सड़क पर धरना देंगे ही ना। सत्ता में भी तो थे कुछ दिन पहले जी। उस समय नहीं थे क्या? 2 महीना में जंगल राज हो गया, 2 ही महीना ना हुए, 2 से 3 महीना। और 3 महीना पहले क्या था? बीजेपी वाले क्या नहीं बोल रहे हैं? इसलिए जंगल राज नहीं है, ये जनता का राज है यहाँ। सर, एक सवाल और रहेगा, विपक्ष लगातार यह भी सवाल खड़ा कर रहा है कि जिस तरीके से कुंडली उपचुनाव में तमाम महागठबंधन दल के नेता स्टेज पे सभा को संबोधित कर रहे थे, उस टाइम शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे, उनको राजद के कार्यकर्ताओं की तरफ से पीटा गया, विपक्ष सर सवाल कर रहा है। यूपी में क्या हो रहा है? योगी जी की सरकार क्या कर रही है? वहाँ भी खुलेआम लोगों को पीटा जा रहा है। इसलिए हमारे तेजस्वी जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी दोनों बिहार की जनता के लिए, बिहार की बेरोजगारों के लिए, आप देख रहे होंगे कि तो खुद तेजस्वी जी अपने डिपार्टमेंट में नौकरी सभी लोगों को दिया। तब धीमे धीमे अब तो 2-3 महीना बने हुए सरकार हुए, अब एक बार सोचिएगा कालो दिन का ये हो जाए तो संभव है?
क्या हुआ नरेंद्र मोदी जी का देश की जनता को, खासकर बिहार की जनता को क्या उन्होंने वादा किया था कि 10 करोड़ नौकरी देंगे। सो कितना साल हो गया उनके बने हुए प्रधानमंत्री, आजकल क्या हुआ 15 लाख खाते में आ गए, बिहार का विशेष का राज्य का दर्जा मिला, पटना यूनिवर्सिटी का केंद्र का दर्जा मिला। पहले पूछिए ना चौकीदार के, जो देश का चौकीदार है, उन्होंने बिहार की जनता को क्या वादा किया था? क्या लगता है सर, केंद्र सरकार ठगड़ी है? केंद्र सरकार ये शुरू से ठगते आई है। अब बीजेपी के लोग ना देश में नमक स्ट्राइक करवा देते हैं, कभी कभी गणेश जी को दूध पिलवा देते हैं, ये तो भर की झूठी पार्टी है ना। जो नौजवान जो नारा लगाता था हर हर मोदी घर घर मोदी, अब वही नौजवान बरबर मोदी नारा लगा रहा है, तो इसलिए बीजेपी के लोग शुरू से ठगते आ रहे हैं। बीजेपी के लोग शुरू से तमाम देश की जनता को ठगते आ रहे हैं। तो वहीं हमारे साथ अभी बात करने के लिए राजद के SC ST प्रकोष्ठ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष साधु पासवान थे। जिस तरीके से कुढ़नी विधानसभा चुनाव का परिणाम आया इसको लेकर हमने बात किया है, तो वहीं महामंथन करने की ज़रूरत है साधु पासवान का कहना है। तो वहीं क्या कुछ चूक रह गई थी इसको लेकर भी लगातार बैठकें होगी, तो वहीं कैसे बिहार में महागठबंधन को मजबूत किया जाए इसको लेकर भी चर्चाएं होगी। वहीं क्या कुछ कहते थे साधु पासवान आपने सुना है। वहीं साधु पासवान का यह साफ कहना था कि बीजेपी के लोग जो है सिर्फ ढकोसलाबाजी करते, तो वहीं झूठा दावा करते हैं, बड़का झूठा पार्टी बीजेपी का मतलब होता है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे हैं। पटना से सहयोगी अजय के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।